हेलो स्टूडेंट मुंबई यूनिवर्सिटी का एमकॉम एडवांस अकाउंटेंसी का सिलेबस अवेलेबल हो चुका है इसके पहले मैंने पार्ट वन प्रिपेयर किया था उसमें हमने सब्जेक्ट एक्चुअली देखे थे अभी हम सिलेबस हम देखने वाले एक एक सेमिस्टर का हम सिलेबस देखने वाले तो अभी फर्स्ट सेमिस्टर का हम सिलेबस देखेंगे ओके तो ये देखिए ये सर्कुलर है उसमें फर्स्ट सेमिस्टर का हम सिलेबस भी देखेंगे एंड इसमें हम आ, आ, और क्या देखने वाले और हम क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी देखने वाले ओके okay, तो ये देखिए ये अभी कंपलसरी में जो चार सब्जेक्ट है उसमें से ये फर्स्ट सब्जेक्ट है एडवांस कॉस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट है. अभी इसमें देखिए ये फोर क्रेडिट का सब्जेक्ट है इसमें हंड्रेड मार्क्स का पेपर है उसमें से फिफ्टी मार्क्स यूनिवर्सिटी असेसमेंट है एंड फिफ्टी मार्क्स कॉलेज असेसमेंट है ओके okay, तो इसका पेपर पैटर्न भी हम देखने वाले पेपर पैटर्न कैसे रहेगा और ये सिलेबस है ओके okay, दो मॉड्यूल रहेंगे मॉड्यूल वन एंड मॉड्यूल टू ओके मॉड्यूल वन में आपको मार्जिनल कॉस्टिंग एप्सऑप्शन कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट डिसीजन मॉड्यूल टू में आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऐसे यूनिट uh, टू में ये मॉड्यूल वन में आपको मार्जिनल कॉस्टिंग एप्सऑप्शन कॉस्टिंग मैनेजरल डिसीजन एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ओके एंड मॉड्यूल टू में बजेट कंट्रोल एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ऐसे एक्चुअली ये सब्जेक्ट में आपका टॉपिक है तो टोटल एक्चुअली अभी ये देखिए मॉड्यूल वाइज भी क्रेडिट दिया है मॉड्यूल वन के लिए टू क्रेडिट्स या मॉड्यूल टू के लिए टू क्रेडिट्स है ओके okay, ये रेफरेंस बुक का लिस्ट है उसके लिए अब ये सेकेंड सब्जेक्ट देखिए मैंडेटरी है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन इसके भाई फोर क्रेडिट है फिफ्टी मार्क्स यूनिवर्सिटी असेसमेंट कॉलेज असेसमेंट फिफ्टी मार्क्स ऐसे हंड्रेड मार्क्स का है दो मॉड्यूल है ओके बेसिक्स ऑफ मतलब डेफिनेशन एंड बेसिक्स ऑफ चार्ज हेड ऑफ़ इनकम ये फर्स्ट मॉड्यूल है डिडक्शन सेकेंड मॉड्यूल में आएंगे ओके एंड कॉम्पिटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स ये फोर्थ मॉड्यूल में आएंगे थर्ड मॉड्यूल में ओके मॉड्यूल okay, दो है यूनिट चार है ओके okay, तो इस तरह से और इसके ये रेफरेंस बुक रेफरेंस बुक्स है ओके थर्ड कंपलसरी मैंडेटरी जो सब्जेक्ट uh, है वो एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेम है यूनिवर्सिटी असेसमेंट फिफ्टी कॉलेज असेसमेंट फिफ्टी उसमें बैंकिंग कंपनी का फाइनल अकाउंट है इंश्योरेंस कंपनी का फाइनल अकाउंट है ओके फॉरेन करेंसी कन्वर्जन का फाइनल अकाउंट है मतलब फॉरन uh, ब्रांचेस uh, का ओके एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी का फाइनल अकाउंट है ओके okay, तो इस तरह से एक्चुअली मॉड्यूल uh, दो मॉड्यूल है दो तो, uh, हर एक मॉड्यूल दो क्रेडिट का है इस तरह से ये रेफरेंस बुक्स है अभी मैंडेटरी फोर्थ मैंडेटरी सब्जेक्ट है एडवांस ट्रेंड इन अकाउंटिंग इसमें दो क्रेडिट है पूरे उसमें यूनिवर्सिटी असेसमेंट ट्वेंटी फाइव मार्क्स है एंड कॉलेज असेसमेंट ट्वेंटी फाइव मार्क्स है ओके टोटल फिफ्टी मार्क्स का रहेगा मॉड्यूल वन में टैली सॉफ्टवेयर है ओके पूरा टैली सॉफ्टवेयर है ओके टैली सॉफ्टवेयर में ये पूरा सिलेबस है ओके okay, इसके रेफरेंस बुक्स है तो ये हमारे हो गए सिलेक्ट मैंडेटरी जो सब्जेक्ट थे वो अभी इलेक्टिव सब्जेक्ट इतने से हम कोई तो एक ही सब्जेक्ट सिलेक्ट करने वाले म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट तो मार्क का पेपर है पेपर है ओके फिफ्टी एंड फिफ्टी मतलब कॉलेज असेसमेंट यूनिवर्सिटी असेसमेंट यहाँ पर फर्स्ट मॉडल है इंट्रोडक्शन टू म्यूचुअल फ़ंड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फ़ंड सेकेंड मॉडल है ओवरव्यू ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट ये सेकेंड मॉड्यूल है ओके okay? उसमें थर्ड यूनिट है एंड फोर्थ यूनिट में फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, ओके जो इस तरह से एक्चुअली आपका सिलेबस है ये रेफरेंस बुक्स है नेक्स्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू एन ओके वो फिफ्टी फिफ्टी मार्क्स है देखिए इसमें अभी कौन से कौन से एन अभी यहाँ पर है फर्स्ट इंट्रोडक्शन है सेकेंड स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिस्कलोजर है उसमें एन डी एस वन है एन डी एस एट है एन डी एस सेवन है ओके एन डी एस टेन है ट्वेंटी फोर है तो ये अभी एन डी एस है वन हंड्रेड फाइव है यह सभी एन डी एस है मॉड्यूल टू में स्टैंडर्ड प्रोवाइडिंग गाइडेंस ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम ओके इसमें अलग अलग एन डी एस अवेलेबल है वो एक्चुअली आपके सिलेबस में है लास्ट स्टैंडर्ड टू द बिजनेस एक्विजिशन एंड कंसोलिडेशन इसमें भी कुछ एन डी एस है ओके okay? तो ये पूरा एक्चुअली एन डी एस एक का सिलेबस है उसके बाद देखिए एडवांस अकाउंटिंग में इलेक्टिव जो थर्ड पेपर है उसका एक्चुअली फाइन फंडामेंटल एनालिसिस फॉर कॉर्पोरेट ये पेपर है उसमें फिफ्टी फिफ्टी मार्क्स का आ, आ, मतलब असेसमेंट है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल एनालिसिस में ये सभी है इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्री एनालिसिस है उसके बाद कंपनी एनालिसिस है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एनालिसिस है ओके ऐसे चार यूनिट है दो मॉड्यूल में एक्चुअली है ये सब्जेक्ट ओके okay, अभी पेपर पैटर्न देखेंगे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के सभी पेपर खत्म हो गए एक आर का पेपर बचा उसका भी लास्ट में एक्चुअली इन्फॉर्मेशन दिया है अभी देखिए फोर क्रेडिट का जो पेपर रहेगा उसमें फिफ्टी मार्क्स जो कॉलेज असेसमेंट रहेगा उसमें एक लास्ट टेस्ट रहेगा प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन वाई वाई असाइनमेंट के स्टडी रहेगा बीस बीस मार्क् का एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड अटेंडेंस एंड पार्टिसिपेशन रहेगा दस मार्क ये फिफ्टी मार्क्स हो जाएंगे ओके और सेमिस्टर एंड एग्जाम रहेगा उसमें क्वेश्चन वन टू थ्री फोर ऐसे चार क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन फोर्टीन मार्क्स और बाकी के तीन क्वेश्चन ट्वेल्व ट्वेल्व मार्क्स के हैं ओके okay. ये एक्चुअली अकाउंट्स के जो पेपर रहेंगे इसके लिए रहेगा और थेरी सब्जेक्ट रहेगा थेरी क्वेश्चन रहेगा पर यूनिट मे बी सब डिवाइडेड इनटू फोर मार्क्स ईच फ्रॉम सब मॉड्यूल्स टू क्रेडिट के ये फोर क्रेडिट का है

हंड्रेड मार्क्स का पेपर है फिफ्टी मार्क्स यूनिवर्सिटी असेसमेंट एंड फिफ्टी मार्क्स कॉलेज असेसमेंट है देखिए इंट्रोडक्शन टू रिसर्च है रिसर्च प्रोसेस है डेटा प्रोसेसिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है रिसर्च रिपोर्टिंग मॉडर्न प्रैक्टिस इन रिसर्च है ओके ये सभी आर का सिलेबस है ओके एंड ये रेफरेंस बुक्स है उसके लिए है, और उसका ये पेपर पैटर्न है ओके देखिए ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था ओके ग्रेडिंग पैटर्न है नाइन्टी मार्क्स का वो अभी ओ ग्रेड रहेगा ओके okay, तो ऐसा एक्चुअली फर्स्ट सेमिस्टर का हमारे पास सिलेबस सभी सब्जेक्ट का एक्चुअली अवेलेबल हो गया है सेकेंड सेमिस्टर का जब सब्जेक्ट एंड सिलेबस अवेलेबल हो जाएगा तो मैं अपलोड कर दूंगा आपको एक्चुअली नोटिफाई कर दूंगा ओके okay, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए वीडियो शेयर कीजिए आपके अदर फ्रेंड्स में ओके थैंक यू थैंक यू वेरी मच